नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अपरकट। कल लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लोग बड़ा खुश हुए जब लखनऊ की टीम बनी। एक बहुत दिन से मांग थी कि उत्तर प्रदेश की एक टीम आईपीएल में खेले, वो बनती है। अब लगातार दूसरी जीत हासिल की है, अच्छा मैच देखने को मिला और वहाँ पर छा गए आवेश खान और जेसन होल्डर। इन दोनों की जोड़ी ने जीत को छीन लिया। बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि लखनऊ मैच हार जाएगी, लेकिन जीत गई। रवि बिश्नोई की कल बात जरूर हो रही थी, लेकिन कल जिस तरह से हैदराबाद पर भारी पड़ी है आवेश खान और होल्डर के अंतिम ओवरों की गेंदबाजी, उसने कहीं ना कहीं दर्शा दिया है कि लखनऊ इस टूर्नामेंट में अभी फिलहाल भविष्य जो है वो सही हाथों में है। अभी केएल राहुल की कप्तानी पर कोई संदेह नहीं उठाना चाहिए। मैं भी कई बार कह रहा था कि बड़े आज़ाद कप्तान नहीं, कल ही कह रहा था, लेकिन कल थोड़ा बदलाव देखने को मिला। कल गेंदबाजों को थोड़ा अलग तरीके से यूज़ किया गया। कल उन्होंने हर किसी गेंदबाज पर भरोसा जताया और उसका फ़ायदा भी उन्हें मिला। ये तो बात हुई कल के मैच की। अब आज की मैच की बात करें तो राजस्थान की टीम बेहतरीन बल्लेबाजी, गेंदबाजी और अच्छे ऑलराउंडर की कमी है ही नहीं। वहीं बेंगलोर के लिए पारी की शुरुआत कप्तान फैफ डू प्लेसिस और अनुज रावत कर रहे हैं। अनुज रावत नया नाम होगा, काफ़ी दिनों से जिन लोग अनुज रावत को नहीं जानते उनके लिए बता दूं, ये उत्तराखंड से आते हैं, दिल्ली से खेलते हैं, दिल्ली में विकेट कीपिंग करते हैं। इससे पहले उनके सामने जो राजस्थान टीम है ये इसमें एज अ विकेट कीपर सीजन से जुड़े थे, एक मैच प्ले करने को मिला था। इस बार उन्हें ओपनिंग की लिए भेजा जाता है बेंगलोर से, लेकिन एक उसकी दिक्कत है, दो बार से परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। तो आज मुझे लगता है कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। मुझे लगता है आज विराट कोहली ओपन करते दिखेंगे। और अगर राहुल या माफ करिएगा अनुज रावत अगर अच्छा करते भी हैं, अगर आज उन्हें खिलाया भी जाता है तो उन्हें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, क्योंकि उधर जॉस बटलर जिस फॉर्म में है और अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, जिससे राजस्थान को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस ओपन की वो तलाश करते हैं, काफ़ी सीजन से वो मिस हो रही थी, वो पुरानी राजस्थान की याद दिलाता है जब द लेजेंड शेन वॉन कप्तान थे, जब स्वप्निल असनोरा और दृष्टांत याग्निक किया करते थे, अजिंक्य रहाणे उस टीम में थे। तब वो एक टीम थी जो बहुत अच्छे तरीके से अपनी ओपनिंग साझेदारी, जो 6 ओवर होते थे पावर प्ले के, उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म करती थी। तो देखना होगा कि आज बेंगलोर, बेशक कप्तान नया है, वो जोश नया है, लेकिन विराट कोहली के बिना ये टीम अधूरी है। विराट कोहली आज ओपन करते नजर आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अनुज रावत को आज थोड़ा आराम देने की ज़रूरत है, या अगर आज उन्हें खिलाया भी जाता है तो उनसे ओपन कराया जाए, उनसे कहा जाए जो फ्री, वो बहुत हिट 6 नंबर पर कभी कभी दिल्ली से खेलने आते हैं। अगर रणजी ट्रॉफी डेज मैच की बात करूं तो वहां पर वो कभी 5वें 6 नंबर पर मूव कर जाते हैं, कभी कभी ओपन करते हैं, तो वो हिट करने के लिए जाने जाते हैं। हिट वो शुरुआत से उनका स्वाभाविक आक्रमण करने का उनका खेल है, तो उस पर शायद उनको कुछ बंदिशें लग रही हों, लेकिन आज उन्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा अगर उन्हें बेंगलोर की टीम से आगे खेलना है। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे जुड़ गए हैं। संदीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कल आपने जिस प्रेडिक्शन की बात कही थी कि जेसन होल्डर एक की प्लेयर होंगे, मैंने रवि बिश्नोई को लिया था, आपने जेसन होल्डर को लिया था, वो बात आपकी फिर से सच हुई, 180+ स्कोर बनता है, तो कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन अभी तक सारे सही हो रहे हैं संदीप भाई आपके। जी, और टीम भी लखनऊ की जीतती है, ये भी ऐड करिए। देखिए, कल का मैच हम लोगों ने जिस तरह से पूरे प्रोग्राम में बात की थी लगभग उसी तरह से चला, और ऐसा नहीं था कि मैच एकदम वन साइडेड था। बीच में ज़रूर हैदराबाद की टीम मैच में वापस आ सकती थी, बट लास्ट ओवरों में जिस तरह से एक्सपीरियंस दिखाया होल्डर ने और आवेश खान ने, जिस तरह से वो वैरायटी दिखाई गेंदबाजी में, मुझे लग रहा है उन्होंने मैच को लखनऊ के पक्ष में मोड़ दिया। बिल्कुल, लखनऊ और अगर लखनऊ की बात कर लें, कल मुझे हम लोग, मैं केएल राहुल को कोस रहा था कल, अगर झूठ उसमें कुछ नहीं कहना, मैं कह रहा था वो आज़ादी की तरह कैप्टनसी नहीं करेंगे, आज़ाद
कप्तान होता है ना, कहता है कि सब है, मैं ले रहा हूँ डिसीजन। कल वो देखने को मिला, आवेश खान वो ओवर नहीं चाह रहे थे जिसमें उनको दो विकेट मिले, वो चाह रहे थे कि एक ओवर बाद में आखिरी ओवर डालूँ, होल्डर से ओवर कराया जाए। अगर जिन्होंने मैच को देखा आखिरी चढ़ों में वो जानते होंगे, उन्होंने देखा होगा इस चीज़ को कि वो थोड़ा एक डिस्कशन हुआ, फिर आवेश खान को दिया गया और वो की ओवर साबित हुआ, दो विकेट आते हैं उसमें। जी देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो कि कई सालों से लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल रहा है, अपने स्टेट की और अपनी नेशनल टीम को भी जो लीड कर चुका है, तो कहीं ना कहीं देखिए एक्सपीरियंस तो है, और वो एक्सपीरियंस जब हम फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं तो वो एक्सपीरियंस लेके ही आते हैं। पंजाब के लिए भी इन्होंने एक दो सीजन में कप्तानी की है, तो धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, और जिस तरह से कप्तानी पिछले मैच में इन्होंने की वाकई काबिले तारीफ है, और मुझे लग रहा है आगे और ज्यादा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे अपनी कप्तानी को। और केन विलियमसन के लिए बड़ी सोचने वाली बात है कि उन्हें कुछ करना होगा हैदराबाद टीम का, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो सकते हैं, काफ़ी नए प्लेयर ज़रूर थे, लेकिन संदीप भाई जिस तरह से टीम चल रही है वैसे जीतना बिल्कुल असंभव है। जैसे पहले था वार्नर, वार्नर जब कप्तान हुए तो उन्होंने एकला चलो के अभियान के तहत पूरी टीम को अकेले चलाते, इतने रन बना देते थे कि सामने की टीम उसी से वो स्कोर देख के ही धराशायी हो जाती थी। लेकिन अब केन विलियमसन बैटिंग भी कर ले रहे हैं, ओपन भी कर रहे हैं, फील्डिंग भी सेट कर रहे हैं, बॉलिंग भी की जरूरत होगी तो ऑफ ब्रेक बॉल भी डाल देंगे, फील्डिंग अच्छी करते ही हैं, बट नहीं रहा है काम, वो काम बांटना पड़ेगा तभी बात बनेगी, वरना सर्वाइव करना पड़ेगा इस आईपीएल में, क्योंकि दो बड़ी टीमें जो 5 बार जीती, जो 4 बार जीती, वो बॉटम में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और देखिए कहीं ना कहीं उनको इस चीज का एहसास भी है, क्योंकि आमतौर पे बहुत शांत खिलाड़ी माने जाते हैं, मगर कल जिस तरह से वो आउट हुए और जो उसके बाद उन्होंने गेस्चर दिया आउट होने के बाद जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, मुझे लग रहा है वो अपने आप में इस हैदराबाद टीम की कहानी बताता है। बहुत निराश थे और उनको ये बहुत अच्छी तरीके से पता था कि अगर 170 रन 175 रन अगर चेस करने हैं तो विलियमसन को रन बनाने ही होंगे, क्योंकि देखिए जब जब किसी टीम को 190-200 रन चेस करने हैं तो हो सकता है किसी एक खास खिलाड़ी का दिन हो जो कि 2-4-10 छक्के मार दे और खूब विस्फोटक इन्हें एकदम से ऊपर से खेल के आ जाए, मगर जब आपको 170 165 175 रन बनाने हैं तो विलियमसन को जरूर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं आप देखिए डेप्थ है नहीं, बिल्कुल इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, और पूरी टीम को आगे लेके जिस तरह से आपने बोला कि वार्नर अभी तक चलते हैं, वो ट्रेंड ही सेट करने के लिए विलियमसन ने शायद ओपनिंग करना स्टार्ट किया है, और विलियमसन को कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और मुझे लग रहा है कि और ज्यादा लंबी इनिंग खेलने की जरूरत है, 10-12 ओवर उनको खेलने की आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कल अब्दुल समद भी जैसे आउट हुए, अमूमन उस बॉल पे छक्का लगता है, बहुत लोअर फुल टॉस थी लेकिन वो आउट हो गए। अभी तो बात हो गई कल के मैच की, आज राजस्थान बनाम बेंगलोर, दोनों टीमें नए प्लेयर्स के साथ हैं तो कुछ नए कप्तान के साथ हैं। बेंगलोर की बात की जाए तो फैव एक शानदार आईपीएल करियर के साथ चेन्नई में जुड़े हुए थे, लेकिन अब फिर से उनकी फ्रेंचाइजी चेंज हुई है, इस बार वो बेंगलोर के कप्तान बनाए गए हैं, तो मुझे लगता है बेंगलोर को जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वो मिल रहा है। विराट कोहली पे से जो बर्डन हटना था वो हट चुका है, विराट कोहली को फ्री होकर खेलना है, जो अमूमन अभी 2-3 पारियों में दिखा है, लेकिन उसके अलावा गेंदबाजी में अभी भी काम करने की ज़रूरत है संदीप भाई, ऐसा मुझे लगता है। जी, गेंदबाजी देखिए, उनके जो की प्लेयर थे, जो मेन विकेट टेकर थे, चहल की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे, और मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया था कि किस लिए उन्होंने चहल को जाने दिया। चिन्ना स्वामी जैसे छोटे ग्राउंड में जिस तरह से दिलेरी के साथ वो गेंदबाजी करते थे, इकोनॉमी बहुत कम था, स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया था उनका, इस मैच विनर को जाने देना नहीं चाहिए था, और उसके बावजूद देखिए जब वो इस बॉलिंग अटैक में नहीं है तो इनके पास मोहम्मद सिराज के अलावा अगर देखा जाए तो मुझे कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा विकेट टेकिंग गेंदबाज दिख नहीं रहा है। गेंदबाजी जरूर कमजोर है, बल्लेबाजी में इसकी भरपाई करने की आवश्यकता है। मैक्सवेल कुछ मैचों में उपलब्ध नहीं है, मगर मुझे लग रहा है जब मैक्सवेल आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी जो हमेशा से टीम खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, जरूर उसका कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा टीम में, क्योंकि आज इनको ट्रेंट बोल्ट का भी सामना करना पड़ेगा, वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा भी हैं। मुझे लगता है कि ये 8 ओवर कैसे निकाले जाएंगे, बड़े महत्वपूर्ण ओवर होंगे संदीप भाई, क्योंकि आप मीडियम पेसर बॉलर रहे हैं और लाल मिट्टी या कोई भी मिट्टी हो, अगर गेंदबाज
तेज गेंदबाज किसी भी पिच पे, और ट्रेंट बोल्ट को किसी मिट्टी की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है जिस तरीके के वो बॉलर हैं उन्हें बस थोड़ा फील्डिंग के साथ मिल जाए तो वो हर मैच में बहुत शानदार बॉलिंग करते हैं। जी बिल्कुल, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज वानखेड़े पे मैच है, और पिछले तीन मैचों में वानखेड़े पे जितने भी पिछले तीन मैचों में सिर्फ फास्ट बॉलर ही मैन ऑफ द मैच हुए, एक बार मोहम्मद शमी और दो बार मुझे जितना याद आ रहा उमेश यादव। तो नई गेंद यहाँ पे बहुत ज्यादा मूव करती है, और जो मैच का रिजल्ट है वो मुझे लग रहा है जो नई गेंद है वही तय कर देती है, अभी तक ऐसा ही होता आया है। तो इसलिए जो ट्रेंट बोल्ट की आपने बात की, प्रसिद्ध कृष्णा की आपने बात की, मुझे लग रहा है बहुत की फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से आप डुप्लेसी और विराट कोहली इनका मुकाबला करते हैं देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब दो चीज़ें हैं, चहल और पडिक्कल इसी टीम में थे, इसी टीम को जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ये एक प्लस पॉइंट राजस्थान के पास होगा। राजस्थान से कोई ऐसा बहुत बड़ा प्लेयर स्विच होकर नहीं आया है, बिल्कुल ड्रेसिंग रूम का बहुत लंबे समय तक साथ दिया है अनुज रावत ने, राजस्थान की फ्रेंचाइजी में थे, लेकिन चहल से उनका कंपेरिजन गलत होगा, अश्विन से कंपेरिजन गलत होगा, ये वो लोग हैं। अगर पडिक्कल और यजुवेंद्र चहल टीम को अच्छे से समझ सकते हैं, काफ़ी लंबे समय से दो दो सीज़न तीन तीन सीज़न से वो साथ में थे, और चहल तो और पहले से साथ में थे, तो वो सारे प्लेयर चाहे वो कोहली हो चाहे वो मैक्सवेल हो, उन सबकी वो कमियों को जानते हैं कि नेट पर उन्होंने बॉल फेंकी है, तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किस बॉल को किस बल्लेबाज के खिलाफ कैसे यूज़ करना है। संदीप भाई जी देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, बट इसमें मैं थोड़ी सी एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि वो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट की हम लोग बात करते हैं, वो लेवल पे देखिए हर खिलाड़ी आज फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल रहा है, अलग अलग देशों में जाके अलग अलग टीमों से क्रिकेट खेल रहा है, और पूरी दुनिया में हर खिलाड़ी जो है लगभग हर देश के खिलाड़ी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा है। तो जब टीम मीटिंग्स होती हैं, जो उनके सपोर्ट स्टाफ्स होते हैं, तो वो पर्टिकुलर खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो वो आइडियाज़ भी खिलाड़ियों के अंदर हैं ज़रूर, मगर फिर मैं वही बात कहता हूँ, जब ये इस लेवल पे क्रिकेट की बात आती है तो वहाँ पे सर्वाइव वही खिलाड़ी कर सकता है जो रोज़ और लगातार अपने गेम में डिमांड के हिसाब से परिवर्तन कर सके। ये जरूर अच्छी बात है कि जब भी चहल नेट्स पे बॉल डालते होंगे, चाहे वो विराट कोहली को डालते हो या किसी भी और अपने टीममेट्स को डालते होंगे, तो उनको आइडिया रहता जरूर होगा कि हाँ भाई फ्लिपर पे थोड़ा सा ये खिलाड़ी वीक है या लेग स्पिन ज्यादा अच्छी खेलता है, बट जब वो अगेंस्ट में चला जाएगा, क्योंकि हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में ही नहीं तो आईपीएल में ही हर साल कोई ना कोई खिलाड़ी दूसरी टीम से खेलने के लिए मिल जाता है, तो उसी लेवल पे वो अपने गेम को भी इम्प्रूव करते हैं। तो देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ ज़रूर है ये, बट जो जितना ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करके लेके आएगा, मुझे लग रहा है उसका सक्सेस रेशियो ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल, एक और बहुत तुरुप का इक्का हाथ लगा है बेंगलोर पर, उस पर बात करेंगे संदीप भाई आपसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खबरों का सारथी, सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ केन्यू इंडिया। आप देख रहे हैं केन्यू खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक तुरुप का इक्का है जिस पर बेंगलोर टीम को चहल के जाने पर बिल्कुल गम नहीं हुआ, हसरंगा। चहल ने जब बेंगलोर फ्रेंचाइजी उन्होंने रिटेन नहीं किया था कि जब ऑक्शन होगा तब ले लिए जाएंगे, लेकिन नहीं लिए गए। फिर जब हसरंगा
के पीछे भागी बैंगलोर टीम और उन्हें ले लिया, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी करके दी है। आज उनके पास अच्छा मौका होगा दिखाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बटलर, संजू सैमसन, देवदत्त पट्टिकल, रियान प्रयाग, ये सब एक ऐसी फॉर्म में है जो शुरुआत से लेकर अंतिम ओवर तक राजस्थान की टीम को रन बनने से रोकते नहीं है। तो देखना होगा कि ये आज कैसे परफॉर्म करते हैं। संदीप भाई, हसरंगा के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा था कि चहल चले गए हैं, बड़ी दिक्कत होने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। थोड़ा फर्क पड़ता जरूर है कि चहल दूसरी टीम में जाकर अच्छा परफॉर्म और बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हसरंगा के आने से कुछ कहीं ना कहीं पैच वर्क तो हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, दुनिया भर में घूम घूम क्रिकेट खेल चुके हैं, एक रेपुटेशन के साथ आए हैं कि मिस्ट्री बॉलर है। बट अगर चहल के साथ मुझे लग रहा है इनकी इनका कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं बेईमानी है। हम मुझे लगता नहीं कि चहल जैसे विकेट टेकर और मैच विनर के साथ हसरंगा की अभी बराबरी करना ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है इनको अभी प्रूव करने की जरूरत है। दो तीन चार मैचों में लगातार अगर इसी तरह से इन्होंने प्रूव किया तो हम जरूर यहाँ पे बैठ के इनके बारे में बात करेंगे कि हाँ चहल के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि चहल को जाने देना मुझे लग रहा है आरसीबी की बहुत बड़ी भूल है। और हसरंगा ने जिस तरह से पिछले मैच में परफॉर्म किया, काफी कुछ उनकी कमी कम करने की कोशिश जरूर की है, बट ये कंटिन्यूटी में अगर कंसिस्टेंसी में अगर ये परफॉर्मेंस चालू नहीं रहा तो मुझे लग रहा है फिर वो देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज और भी है, ये तो स्पिन अटैक की बात हो गई। हर्षल पटेल इस बार, वो जो पिछले आईपीएल में हर्षल पटेल का जादू चला था वो कहीं मिस हो गया है। ज्यादा लंबे समय नहीं हुआ उस आईपीएल को खत्म हुए। बिल्कुल संदीप भाई, आपको रोकना चाहेंगे इसी में, आप नेता आतिशी जी क्या कह रहे हैं कुछ सुन लेते हैं। बार बार लिखी कि दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के साथ सौतेला व्यवहार छोड़ दीजिए, कि जिस तरह से आप देश की हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 488 रुपए देते हैं उसी तरह से दिल्ली को भी दिए जाए। क्योंकि अगर हम माने कि दिल्ली की 1.5 करोड़ की आबादी है तो अगर हम 488 रुपए का हिसाब किताब लगाएं तो हर साल 730 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को दिल्ली के एमसीडीज को देने होंगे, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया। तो मैं अमित शाह जी से कहना चाहूंगी कि आपकी केंद्र सरकार है, भाजपा की केंद्र सरकार है जो दिल्ली वालों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ये केंद्र सरकार है जो दिल्ली की तीनों एमसीडीज को आज तक पैसा नहीं देती आई है। ये केंद्र सरकार है जो फरीदाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, दिल्ली, दिल्ली के अलावा बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली के अलावा हर शहर को पैसे देते आई है, लेकिन दिल्ली की सरकार को आज वो सवाल उठा रहे हैं कि हम सौतेला व्यवहार करते हैं। दिल्ली सरकार ने 2015 से बार बार तीनों एमसीडीज को लोन दिया है। क्यों? क्योंकि एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार है कि जो एमसीडी की अपनी रेवेन्यू है उसके आधार पे वो चला नहीं पाते हैं। तो यहां पर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे आप, जहां पर आतिशी ने आरोप लगाए हैं एमसीडी में जो हो रहा है भ्रष्टाचारों को लेकर। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। खबरों का सारथी
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं संदीप भाई के पास। संदीप भाई, सिराज और माफ करिएगा, सिराज कह रहा हूँ, चहल और हसरंगा को कंपेयर नहीं करने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सामने चहल होंगे और इस तरफ बैटिंग कोहली कर रहे होंगे तब क्या मामला होगा? क्योंकि वसीम जाफर ने जो ट्वीट किया उसको देख के तो लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ महाभारत टाइप वाला उन्होंने जो ट्वीट किया है उसको देख के तो लग रहा है कि कुछ और ही होने वाला है। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और जब कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो कई सालों तक अप्रोक्स दसियों सालों तक एक साथ खेले हो और उनके बीच में जब मुकाबला होता है और इस तरह से, तो वो देखने में बहुत रोमांचक होता है। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फन में माहिर हैं और मुझे लग रहा है कि जो स्पिन गेंदबाजी की कला है, मुझे लग रहा है नंबर एक लेग स्पिनर है इस समय चहल, और विराट कोहली के बारे में भी वही बात कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा है जो नंबर वन है उनकी जंग होगी। बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। और मुझे लग रहा है इस नंबर वन की जंग में जो सच में टेस्ट में नंबर वन है वो जगह ना मार ले जाए आर अश्विन, उन्हें आप मैच से बाहर नहीं रख सकते। संदीप भाई जी बिल्कुल नहीं, देखिए आर अश्विन की बात हम करें, जब जब हम लोगों ने अंडरस्टिमेट करने की कोशिश की है इनको, चाहे इनकी फिटनेस को लेकर या इनकी T20 क्रिकेट में बॉलिंग एबिलिटी को लेकर, इन्होंने बाउंस बैक किया है और अपने परफॉर्मेंस से लोगों के मुंह बंद किए। पिछले मैच में भी जिस तरह से उन्होंने दूसरी बॉल पे मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहली बॉल पे छक्का खाए थे और दूसरी बॉल पे उन्होंने विकेट लिया, उन्होंने दिखाया था कि वो क्या, उनका क्या क्लास है। तो देखिए, वो नंबर एक ऑफ स्पिनर हैं और वो गेम से कभी एक्शन से बाहर रह नहीं सकते। तो प्रेडिक्शन का टाइम है संदीप भाई, आपके अभी तक के सारे प्रेडिक्शन मैं नोट करता जा रहा हूँ, अभी तक तो डेली जो होता है नोट कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ मैच अगर सही हुआ तो टिक लगा देता हूँ, वरना फिर बधाई देने का कोई मतलब नहीं। आज के प्रेडिक्शन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान बनाम बैंगलोर, वानखड़े का ग्राउंड, मुझे लगता है की प्लेयर आज होंगे दोनों टीम के स्पिनर्स। जी वानखेड़े का ग्राउंड है इसलिए मुझे लगता है कि वानखेड़े में मैं भी 7-8 साल खेला हूँ क्रिकेट, तो जहां तक जो मेरी नॉलेज कहती है मुझे लगता है फास्ट बॉलर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और जो टीम चेस करेगी मुझे लग रहा है वो टीम जीतेगी। देखिए, लगातार दोनों ग्राउंडों पे जो पहले बैटिंग कर रही थी वो जीत रही थी, मगर वानखेड़े में एकदम उलट है। पहली इनिंग का एवरेज स्कोर 140 रन ही है, तो तेज गेंदबाज जब सूखी गेंद रहती है तो वो गेम में आते हैं और ड्यू फैक्टर इतना ज्यादा है कि बाद में पहले ओवर से ही प्रॉब्लम हो जाती है फास्ट बॉलर्स को। तो मुझे लगता है जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी और जो टीम चेस करेगी मुझे लग रहा है वो मैच जीतेगी। मुझे लग रहा है फास्ट बॉलर है इसीलिए आप फास्ट बॉलरों को आप ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको बताया 3 मैचेस हुए हैं और तीनों मैचों में फास्ट बॉलर ही मैन ऑफ द मैच हुए हैं यहां पे, तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा फास्ट बॉलर्स के लिए इस ग्राउंड में। स्कोर क्या लग रहा है आपको, आज का स्कोर क्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों टीमों में अच्छे बैट्समैन है, एक लंबे लंबे हिट लगाने वाले बैट्समैन है, स्कोर क्या होगा आज? हिटमायर, बटलर, सैमसन, पडिकल, रियान प्रयाग, ये सब दोनों टीमों में है, इधर विराट कोहली है, तमाम प्लेयर हैं जो बड़े लंबे लंबे हिट लगा सकते हैं। जी, देखिए दोनों टीमें बैटिंग पावर हाउस है, बट मुझे लगता नहीं आज बहुत ज्यादा रन बनेगा, मुझे लगता है 160 प्लस माइनस 5 रन, मुझे इससे ज्यादा रन बनने की उम्मीद लग नहीं रही है। टीम कौन सी आज आप चुनेंगे? टीम भी तो आपको बैंगलोर राजस्थान में कोई एक चीज चुननी होगी, दो ऑप्शन है आपके पास कि आज किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए तेज गेंदबाजी, जी अगर तेज गेंदबाजी की बात करें तो मुझे लग रहा है राजस्थान का पड़ला भारी है, तो मैं आज राजस्थान के साथ जाना चाहता हूँ, मुझे लगता है राजस्थान जीतेगी। ये ट्रेंट बोल्ट और उनको देख के आप बोल रहे हैं और प्लेयर्स को देख के, आपने प्रसिद्ध कृष्णा की पिछले मैच में गेंदबाजी देख ली, वो बाउंस देख लिया, इसके आप फैन हो गए। नहीं नहीं, बटलर भी है, सुशील जायसवाल भी है, संजू सैमसन भी है, ओवरऑल मुझे अच्छी टीम लग रही है, तो गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों में बैलेंस लग रहा है इसलिए मैं राजस्थान के साथ जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, अब 160 रन का स्कोर बन सकता है, राजस्थान टीम जीत सकती है और सबसे ज़्यादा नज़र दोनों टीमों के मीडियम पेसर्स पे होगी। आज सिराज का भी रोल देखना होगा क्योंकि इस तरफ प्रसिद्ध कृष्णा तो अच्छा आम लगा रहे हैं, अच्छी बॉल फेंक रहे हैं, ट्रेंड बोल्ट का अच्छा साथ उन्हें मिल रहा, लेकिन क्या हर्षल पटेल या और कोई भी मीडियम पेसर जो आज खेलता है वो सिराज का उतना साथ दे पाएगा, इस पे भी देखना होगा। और किस तरह से फैफ डू प्लेसी हसरंगा को बटलर और सैमसन के आगे या यशस्वी जायसवाल के आगे
इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई हमसे जुड़ने के लिए। तो आज राजस्थान बनाम बेंगलोर का मैच है आईपीएल में, और बात अगर की जाए तो कहीं ना कहीं पल्ला थोड़ा सा राजस्थान का भारी लगता नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं लगातार और गेंदबाजी उनकी जिस तरह की, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर राजस्थान का पल्ला थोड़ा सा भारी है। और गेंदबाजी में भी प्रसिद्ध कृष्णा और ट्रेंट बोल्ट, अश्विन और जडेजा की चार के जो 16 ओवर होते हैं, इनसे पार पाना हर किसी टीम के लिए आसान नहीं होगा। तो फैफ डू प्लेसिस बेंगलोर को कैसा आज जिताते हैं मैच पे, इस पर नज़र रखनी होगी, और ये भी नज़र रखनी होगी कि आज विराट कोहली कैसा परफॉर्म करते हैं। फिलहाल अपर कट में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।